भाई आज की इस वीडियो में यार हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में कि भाई आज की डेट में हर कोई टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना रहा है, लोग पागल हो रहे हैं टिकटॉक के चक्कर में। तो क्या लोग ये सब सिर्फ फॉलोवर्स के लिए ही कर रहे हैं या फिर टिकटॉक से पैसे वगैरह भी मिलते हैं, और जो लोग कमाते हैं तो वो टिकटॉक से कैसे पैसे कमाते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में बहुत ही ईजी वे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि भाई टिकटॉक के ऊपर यूट्यूब की तरह कोई भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में अगर ऐड आएगा तो उस ऐड के मेरे को डायरेक्टली पैसे मिलेंगे। तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन अभी टिकटॉक के ऊपर नहीं है, और भाई बहुत सारे लोग टिकटॉक को यूट्यूब से कंपेयर करते हैं, तो दोनों का कंपेरिजन वैसे भी बनता नहीं है। वो एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है, ये एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म, और वैसे भी यूट्यूब यूट्यूब है। तो अब बात करते हैं टिकटॉक के बारे में कि भाई लोग फिर टिकटॉक से पैसे किस तरीके से कमाते हैं उसके बारे में। तो चलो इस चीज का एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान के चलो कि भाई आप टिकटॉक पे वीडियोस अगर आपको बनाना पसंद है और आप टिकटॉक पे वीडियोस डालने भी लगे धीरे-धीरे, फिर आपके लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ेंगे अगर आपकी वीडियोस लोगों को पसंद आती हैं तो। अब बात करें पैसे की, तो देखो ना तो पैसे लाइक्स से आएंगे, ना ही फॉलोवर्स से आएंगे, ना ही व्यूज से आएंगे, चाहे आपके 1 मिलियन लाइक आए, 2 मिलियन आए या फिर 5 मिलियन आए। लेकिन धीरे-धीरे जैसे आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, फिर होगा ये कि जो ब्रांड है वो आपको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे पेड कोलैबोरेशंस के लिए। अब ये पेड कोलैबोरेशन होता क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो आपके पास बहुत सारे फॉलोवर हो चुके हैं और जो ब्रांड है उनके पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी ब्रांड आपको कांटेक्ट कर सकता है, उनकी कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई ऐप हो सकती है, या फिर उनका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो चाहेंगे कि आप अपने फॉलोवर्स को उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी चीज के बारे में बताओ, उसके बारे में वीडियो बनाओ, उस चीज के वो पैसे आप लोगों को देंगे। अब कितने पैसे देंगे वो डिपेंड करता है कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं और आपके फॉलोवर्स आपको कितना पसंद करते हैं आपकी वीडियोस को। ब्रांड डील करते वक्त यही देखते हैं कि इनके कितने फॉलोवर्स और कितने फॉलोवर्स इनको पसंद करते हैं, उसी के बेस पे पैसे पे किए जाते हैं। क्योंकि भाई वो जिस चीज के लिए पे कर रहे हैं वो रिटर्न में ये भी तो चाहते हैं कि भाई कम से कम इनके इतने फॉलोवर्स हमारी इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें। तो इस तरीके से आप टिकटॉक के ऊपर पैसे कमा सकते हो। जब आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाएं तो आप ब्रांड्स के साथ में पेड कोलैबोरेशन करके उनसे पैसे ले सकते हो, उनकी सर्विस या उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करके। और आपने देखा हो भी होगा बहुत सारे लोग करते हैं टिकटॉक के ऊपर ऐसा। इसके अलावा एक और तरीका है पैसे कमाने का कि आपकी खुद की कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, आप पहले टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जब आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाएं तो आप बता सकते हो कि भाई हमारी खुद की ये प्रोडक्ट है या सर्विस है, लोग आपको पसंद करते होंगे तो वो आपका जरूर खरीदेंगे। तो इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हो। और इसके अलावा एक तरीका और है टिकटॉक के ऊपर पैसे कमाने का, लाइव आके, लेकिन उससे उतने ज्यादा पैसे कमाए नहीं जाते और लोग उस चीज को उतना ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है टिकटॉक के ऊपर वो होता है ब्रांड प्रमोशन, और उसी से लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में, तो के लिए थैंक यू, बाय बाय।